नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। भू विस्थापितों के आंदोलन से कुसमुंडा खदान बंद। बिहार पंचायत चुनाव में पुलिस प्रशासन पर पक्षपात के आरोप। अमित शाह के बयान और यूपी की जमीनी हकीकत में है फर्क। और आखिर में कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटों में 12,514 नए मामले, 251 मरीजों की मौत। कोयला खनन के लिए दशकों पूर्व भूमि अधिग्रहण में अपनी जमीन खोने वाले भू विस्थापित आज भी मुआवजे और रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। खेती किसानी करने वाले किसान भूमिहीन होकर दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की चिंता अब न तो SECL को है और न ही राजनेताओं को। चुनाव में हर बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन चुनावों के बाद कोई पार्टी कोई नेता भू विस्थापितों के दुख दर्द को सुनने नहीं आता। यही हाल छत्तीसगढ़ में कुसमुंडा खदान के प्रभावित गांव बरकुटा का है, जहां सालों पहले भूमि अधिग्रहण किया गया था। कोरबा पुराने लंबित प्रकरणों में भू विस्थापितों को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर कल कुसमुंडा क्षेत्र के विस्थापन प्रभावित ग्रामीणों ने SECL प्रबंधन पर अचानक हल्ला बोल दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा भी इस आंदोलन में उनके साथ थे, जो लगातार कोयला क्षेत्र में विस्थापन प्रभावित गांवों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। माकपा ने अपने एक लिखित बयान में कहा कि ग्रामीणों को माकपा और किसान सभा का साथ मिलने से उनके हौसले बुलंद थे और वे कुसमुंडा खदान के अंदर घुस गए और उन्होंने उत्पादन ठप कर दिया। सुबह 5 बजे से जारी शाम 5 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा, जिसके चलते प्रबंधन को 50 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में जारी 2021 के पंचायत चुनाव में विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में वहां के पुलिस प्रशासन ने सत्ताधारी योगी सरकार के पक्ष में अपने पावर का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को बाधित किया, वही काम बिहार में भी दोहराया जा रहा है। 24 अक्टूबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में संपन्न होने वाले इस बार भी बिहार पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन अधिकांश उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक दल समर्थित प्रत्याशी के बतौर खड़े हुए हैं। विपक्ष द्वारा मीडिया को साक्ष्य देते हुए बताया जा रहा है कि किस तरह से इस चुनाव में भी सत्ताधारी दल धन बल के साथ साथ पूरे प्रशासनिक तंत्र का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन ने सत्ताधारी दल समर्थित उम्मीदवारों के विरोध में खड़े प्रत्याशियों और उनके समर्थक लोगों पर धमकियां देने और लाठियां चलाने की खबरें आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश पर हाल ही में कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में वहां से गुंडा राज खत्म हो गया है और लड़कियां बेहद सुरक्षित हैं। मगर क्या है जमीनी हकीकत और अमित शाह के इस बयान का फर्क, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की एक रैली में क्या बयान दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक देश के गृह मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या देश का गृह मंत्री उत्तराखंड में अपने काम के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी? मैं जानता हूं कि आपको 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने पड़े थे, यही वजह है कि देश के गृह मंत्री को नमाज हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनिए। वादा खिलाफी करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी राजनीति रूप से सत्ता व्यवहार और सत्ता के भोग करने वाली पार्टी है, वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं करती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। शुक्रवार को छुट्टी देने की वाले दृष्टिकरण और एपीसमेंट करने वाले आप जानते हैं। सबसे अफसोस की बात क्या है,
सबसे अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है ना, वो अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने देश को एकजुट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज बुलंद की। और आज अमित शाह इस तरह के बयान दे रहे हैं चुनावों से ठीक पहले। सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों, यह वीडियो देखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय एकता की शपथ ले रहे हैं। आइए उसके कुछ 20 सेकंड सुनते हैं। काश देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी इस शपथ को ही याद रखते। सुनिए। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं फिर कहना चाहता हूं अमित जी, क्या वजह है कि उत्तराखंड में 5 साल, उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार होने के बावजूद आपको फिर वही नमाज हिंदू मुसलमान का सहारा लेना पड़ रहा है? और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाता हूं साहब। एनडीटीवी की खबर है, अगर तालिबान ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया तो एयर स्ट्राइक तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का नाम लिया कि तालिबान आएगी तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चीन ने हमारे 21 सैनिक मार दिए, योगी आदित्यनाथ ये क्यों नहीं कहते कि चीन आगे से हिमाकत करेगा तो हम बीजिंग में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? बताइए, ये बात क्यों नहीं कही आपने? तालिबान अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है, वो कहां जाएगा यहां भारत? मगर उससे भी बड़ी बात, चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री भी चीन का नाम लेने से डरते हैं। योगी आदित्यनाथ भी चीन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तालिबान का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं तालिबान का जिक्र करूंगा और हिंदू जो है वो घबरा जाएगा और फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूं, और क्या चाहता हूं, यही तो सारा प्लान है। सही है गलत बताइए मुझे। योगी ने कहा, मोहम्मद गौरी और आक्रांता गाजी के अनुयायी वोट बैंक के भय से हिंदू रक्षक महाराजा सुहेल देव के नाम से डरते हैं। इनको भय है कि सुहेल देव का स्मारक बनने के बाद लोग गाजी को भूल जाएंगे और जनता राजनीतिक ब्लैकमेलरों को कूड़े में फेंक देगी। इसी भय से वे राष्ट्रीय रक्षक सुहेल देव के स्मारक का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। योगी जी से मेरा एक सवाल, 5 साल थे आपके पास, सुहेल देव का स्मारक आपने 5 साल पहले क्यों नहीं बनवाया? किसने रोका था आपको? और योगी जी उसी टूलकिट का अनुसरण कर रहे हैं। आपको याद होगा एक रैली में उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कि अब तक विकास जो है उन लोगों तक पहुंच रहा था जो लोग अब्बा जान करते थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिलना है राशन, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। ये सब क्या बतला रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों की राजनीतिक रूपरेखा तैयार है। और आखिर में हम फिर से बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 1 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 12,500 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन 251 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 12,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 455 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमणों के मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,00,000 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 3,35,00,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है
और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर करीब 1,50,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 106 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 12,70,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.